नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा 150वीं जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बोक्सा जनजाति समुदाय के लोगों से संवाद किया। इसी क्रम में कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत हल्दू खाता में एवियन पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोक्सा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विधायक पौड़ी राजकुमार पोरी ने कहा कि देश के विकास तभी संभव है जब हम पिछड़े हुए हमारे भाई बहनों को साथ लेकर चलेंगे। कहा कि नरेंद्र सरकार ने जन जाति समुदाय के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया है जिससे आदिवासी समुदाय के लोगों को समाज व विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर मिला है। कहा कि आदिवासी क्षेत्र में सभी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता से धरातल पर उतारा जा रहा है। बिरसा मुंडा जी 150वीं जयंती पर मनाए जा रहे जनजाति गौरव दिवस पर बोक्सा समुदाय के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन कोटद्वार में विसारत बोक्सा समुदाय के प्रत्येक परिवार को बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम के अवसर पर अतिथियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हुए बोक्सा समुदाय के लोगों को चेक व प्रमाण पत्र वितरित किए गए जिसमें विद्युत विभाग द्वारा 11, शिक्षा विभाग द्वारा 6, स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 लोगों को आयुष्मान कार्ड, नगर निगम कोटद्वार द्वारा 2 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, पूर्ति विभाग द्वारा 4 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, बाल विकास विभाग द्वारा 4 को महालक्ष्मी किट, 6 लोगों को कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्र, 4 को भू स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को कमल 2,20,000 रुपए, राजेंद्र सिंह 1,00,000 को, विनोद को 5,00,000 को चेक वितरित कर योजना से लाभान्वित किया गया। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बक्सा जनजाति के महानुभाव और माननीय मुख्य अतिथि जो माननीय विधायक राजकुमार पौड़ी साहब और उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इसमें विभिन्न विभागों की 14 से 15 ऐसी स्कीम्स थी जिनमें हम लोगों ने बेनिफिट्स दिए और मल्टीपल डिपार्टमेंटल चीज़ों में जो सैचुरेशन का लेवल भी अचीव किया गया, जहाँ हमारे अभी भी प्रयास किए जाएंगे उसके लिए भी मेरे द्वारा अधिकारी को निर्देशित किया गया। और इस अवसर पर हमारे समुदाय के सदस्य गण हैं, उन्हें यही अश्योरेंस दे रहा हूँ कि हम गंभीरतापूर्वक कार्य को समाप्त करेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।